कृषि चंद कैमरा प्लीज गुरप्रीत। हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम लगती है? हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरप्रीत बदाली। और आप पंजाब के होनहार नए संगीतकारों में और कलाकारों में शामिल हैं। आपकी शिक्षा बदाली ब्रदर्स, बदाली बंधुओं से हुई 17 सालों तक, और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है आप जैसे युवा कलाकारों को अपने अमृत महोत्सव में शामिल करके। क्लासिकल म्यूजिक हमारी धरोहर है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारी धरोहर है। अमृत महोत्सव 75 साल को सेलिब्रेट करने का एक हमारा जरिया है। इसमें हम भारत के 75 साल, जो स्वर्णिम 75 साल हैं, इसके इतिहास के बारे में, और इसमें जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और जो बोलते हैं संगीन घटनाएं हैं, उन घटनाओं को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें क्लासिकल म्यूजिक एक घटना नहीं, वो हमारा इतिहास है, वो हमारी संस्कृति है। और क्लासिकल म्यूजिक को बढ़ावा देने के लिए आप जैसे युवा कलाकार जिन्होंने इस माध्यम को चुना है, इनको नई पीढ़ी के सामने लाना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारी खुशी भी है इसमें। और आज हम आपसे सुनना चाहेंगे पंजाब के बारे में, क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, आपके बारे में कि आप कैसे इस लाइन में आए, इस विषय में आप जुड़े, इस विषय से जुड़े, और आपकी शिक्षा कैसे हुई, और पंजाब का जो क्लासिकल म्यूजिक है वो आप वहां से लेके क्या पीछे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, ये भी हम सुन रहे हैं बॉलीवुड में, तो इस तरह के शर्मनाक गाने भी मुझे सुनने पड़ते हैं। मैं तो सीधी बात करने वाला आदमी हूँ, तो मुझे ये जानना है कि पंजाब का जो क्लासिकल म्यूजिक है उसकी नींव कहाँ से शुरू होती है, आपने कैसी ट्रेनिंग ली, आज आप किस विषय में एक्सपर्ट हैं, किन क्या बोलते हैं रागों में आपकी कलाकारी है, एक्सपर्टाइज है, और आगे आने वाले समय में नई पीढ़ी को आप क्या प्रोत्साहित कैसे करना चाहेंगे कि वो इस क्लासिकल म्यूजिक की धरोहर को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना के आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपको हम बोलने के लिए एक निवेदन करते हैं, श्री गुरप्रीत बदाली, ओवर टू यू सर। सर 1 मिनट, आपकी ना आवाज थोड़ी कम है। 1 मिनट, शायद फैन की वजह से। हाँ जी, अब आ रही है। हाँ गुरप्रीत, अब आप अपने पंजाब के संगीत के बारे में, अपने बारे में, बदाली जी, बदाली बंधुओं के बारे में, आपने उनसे जो शिक्षा ग्रहण करी उसके विषय में युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए, जो इस म्यूजिक के माध्यम को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाए और बना के इसको देश का ही, अपना ही नहीं, देश का भी नाम रोशन करें, और इससे बहुत बहुत लाभ है। ये हमारा हजारों साल पुराना ये हमारी धरोहर है, जैसे आयुर्वेद है, जैसे योगा है, वैसे ही क्लासिकल म्यूजिक है। तो विजन इंडिया फोरम अपने अमृत महोत्सव के माध्यम से आपको निवेदन करता है कि अब अपनी बात को अब सामने रखें, साझा करें हमारे साथ। गाने की तो बात ऐसी है कि गाना सारी उम्र किसी को आता नहीं है। इसका रियाज करना पड़ता है, इबादत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं थोड़ा बहुत गाना आता है और इंसान की उम्र चली जाती है। गाना एक ऐसी चीज है कि गाना बंदगी है। गाना कोई बीमार आदमी बिस्तर पे लेटा हो ना, उसके अच्छे सुर उसको सुनाई दे तो एकदम से वो उठ के बैठ जाएगा, यार ये क्या है, ये एक खुराक है गाना। मैंने सर अपनी जिंदगी में, मेरी फैमिली पढ़ी लिखी है बहुत, मतलब मेरी सिस्टर डॉक्टर है, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, जैसे मैंने टीचर ट्रेनिंग की है, पर रुचि थी ना मेरी संगीत की तरफ, रुचि। मेरे फैमिली यही सोचती थी कि मैं एक टीचर बनूं, एक अच्छा टीचर ड्राइंग का, और मेरी रुचि थी सर गाने के अंदर, जो कि मैं जब किसी को सुनता था ना अच्छे संगीत को, तो मेरे अंदर से एक आवाज आती थी कि यार ऐसा मैंने कभी बनना। इसीलिए फिर सर मैंने अपने घर में बात, चलो मेरे घर वाले तो कभी एग्री नहीं हुए इस लाइन पे, ठीक है। उसके बाद क्या हो कि हमारे झंडियाले में एक उस्ताद रवि कांत जी प्रोफेसर थे, उनके पास मैंने अपना मन बना के समथिंग, मैं उस टाइम पर 8th क्लास में था, मैं जब वहां गया, वहां बहुत बच्चे थे बड़े, मैं जब घर के अंदर पांव ही रखे तो इतने ज्यादा वहां शूज लड़कों के पड़े, मैं घबरा गया। मैंने कहा यार इतने बच्चे हैं, मैं तो एक बाथरूम सिंगर हूँ, ठीक है। तो मैं वहां पे जब गया तो
मेरी वहां पे समथिंग एक घंटे डेढ़ घंटे बाद मेरी वहां पे टर्न आई, तो उस्ताद जी ने मेरे को, जो प्रोफेसर थे रवि कांत जी, उन्होंने बोला कि तुम कुछ सुनाओ। मैंने उनको फिर थोड़ी सा अपना गुनगुनाया जैसा है मुझे आता। उन्होंने भी मुझे यही बोला कि तुम बाथरूम सिंगर हो, अगर तुमने एक अच्छा सिंगर बनना है, क्लासिकल की तलीम लेनी है, तलीम लेके ही तुम आगे जाओ, तुम्हारे गले में वो बात है जो एक क्लासिकल के गले में होती है। उसके बाद क्या सर, मैं वहां पे रेगुलर जाने लग पड़ा। तो मेरे दिल में तमन्ना थी कि मैं वडाली बंधु जो उस्ताद जी है मेरे, पूरन चंद वडाली जी और प्यारे लाल वडाली जी, वो तो चलो अब गुजर गए हैं, प्यारे लाल जी छोटे उस्ताद जी, बहुत उनका ट्रीटमेंट हुआ था 2017 में। मैंने उनका एक गाना सुना था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो था साडा एक बारी मेल करा दे, रब्बा एक बारी मेल करा दे, असा योदा मुख वेखना। ये जब मेरे दिल में गाना बजा ना, तो मेरे मन में चाहत आ गई कि मैंने इनसे ही सीखना है। तो मैंने अपनी, हमारी जॉइंट फैमिली है, मेरे चाचा ही पुलिस में थे उस टाइम, तो उन्होंने बोला कि मैं इनके पास तुझे ले जाऊंगा इनके घर। तो मैं पहली बार उनके घर गया जब पापा जी के, तो पापा जी बैठे थे ऐसे, उन्होंने मुझे बिठाया अपने उनके चरणों में बैठ गया। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुमने क्या क्या सीखा है, राग भी कभी सीखा है? मैंने कहा गुरुजी अभी मुझे थोड़ा टाइम हो गया है जाते हुए, तलीम ले रहा हूँ। उन्होंने फिर बोला कि रागों की तलीम लो, हमारे साथ प्रोग्राम पे जाओ, हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे। तो उस टाइम मैंने असावरी राग शुरू किया था, वो था करे मा पादा मा पादा पागरी सा मधुर मधुर धुन मुरली बजावे कुंवर कन्हैया ठीठ लंगर वा मधुर मधुर धुन मुरली बजावे। ये सर मैंने जब उनको बंदी सुनाई तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आज से तुम हमारे साथ हर प्रोग्राम पे जाओगे, हर तरह का तुम्हें सहयोग देंगे हम। उसके बाद मेरी जिंदगी की शुरुआत होगी इनके साथ। तो मैं हर कंट्री में इनके साथ गया हूँ, हर टूर पे इनके साथ रहा हूँ। 17 साल मैंने उनसे तलीम ली। फिर मैंने उनको इनको देखा कि इनका स्टाइल कैसा है, मतलब हर आदमी का होता है जिसके साथ जुड़ जाओ उसकी रंगत आनी शुरू हो जाती। जैसे कोई रंग सावा, कोई रंग पीला, कोई लाल गुलाबी करदा, बुल्ले शाह रंग मुर्शद वाला किसे किसे नु चढ़दा। हमेशा गुरु के हजारों शिष्य होते हैं, पर जो एक रंगत होती है ना, वो वही पा सकता है जो अपने गुरुओं की दिल से सेवा करे। फिर मैंने इनको इनसे सीखा कि ये ठुमरी कैसे गाते हैं, काफी कैसे गाते हैं। एक इनकी काफी आई थी, मैं बहुत बार सुनता हूँ, और मैंने वो अभी थोड़ा टाइम चैनल पे गाई है, वो थी राग तिलंग में। एक राजा मैनू लोड़ी दा, एक राजा मैनू लोड़ी दा, रांझे जिया मैनू और ना कोई मिन्नता कर कर मोड़ी दा। एक राजा इसको कहते हैं काफी की गायकी। इसमें भाव होते हैं, सुरों के साथ चलना पड़ता है। हर हर गाने का अलग स्टाइल होता है, जैसे कव्वाली का अलग स्टाइल है, काफी का अलग स्टाइल है। ऐसा वो दमादम मस्त कलंदर की कुछ लाइनें हो जाए आपसे। हाँ जी, वो है राग कल्याण में गाया है उसको। तेरा ही नाम सुनकर बाबा आया हूँ
दूर से झोली मेरी को भर दे बाबा अपने ही नूर से। लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवन दा सती शाबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर सती शाबाज कलंदर अली दम दम दे अंदर। हो लाल मेरी ओ लाल मेरी। ये था गुरप्रीत। अपने पंजाब के फोक संगीत के बारे में कुछ और चीजें बताएं, क्योंकि पंजाब का फोक जैसे बनारस के घराने बड़े मशहूर हैं, वैसे पंजाब के कई तरह के फोक संगीत हैं, हमें तो कुछ पता नहीं, हम आपसे जानना चाहेंगे और आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे और विश्व को बताना चाहेंगे। हाँ जी, फोक संगीत ऐसा है सर कि ये भी फोक में ही आते हैं। ये जो मैंने आपको सुनाया है ना अभी, एक रांझा मैनू लोड़ी दा, काफी काफी ठुमरी, ये सब फोक में आते हैं। और फोक में वो भी आते हैं जैसे जुगनी माइया, मुल विकदा मैं पान लिया, मुल विकदा मैं पान लिया, वे माइया तेरे जुल्मानू, माइया तेरे जुल्मानू, मैं ता मन एहसान लिया सोड़िया। गाना मेरे को ना तो पंजाबी आती है ना फोक संगीत, लेकिन जैसे आपने ये गाना गाया मेरे चेहरे पे खुशी आ गई कि मतलब पहली बार में अगर कोई अनसुना गाना आपको पसंद आ जाए, पहली बार में, मेरी इतनी सी थोड़ी सी समझ है, तो अगर वो गाना दूसरी तीसरी बार सुनो तो आप उसके मुरीद बन जाएंगे, ये तो मैं समझ सकता हूँ। तो वंडरफुल है। और अच्छा ये बताएं कि बॉलीवुड के साथ में पंजाबी संगीत का जो आज की डेट में लास्ट 10 साल का सफर है, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है। एक मैंने हंसराज हंसी को सुना हुआ है, एक जमाने में हम बाबा सहगल को सुना करते थे, मजा आता था, आज भी मजा आता है, ऐसी बात नहीं है, वो भी रैप गाते थे 20-25 साल पहले बाबा सहगल, लेकिन फिर भी सुन के अच्छा लगता था और वल्गैरिटी नहीं हुआ करती थी उन गानों में भी, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जाए, समथिंग लाइक दैट, यू नो, आई डोंट रिमेंबर। उसके बाद में हंसराज हंसी का तो ये जो सिल्ली सिल्ली आती है, वह तो सुनने के बाद हमारे होश, अगर हम लाख बार भी सुन ले तो लाखों बार हमारे होश उड़ जाते हैं, वो गाना ऐसा है और उनकी आवाज, उनका तरीका ऐसा है कि रोंगटे तो क्या, मतलब जो भी है, मतलब हो जाता है। तो ऐसे आप लोग सिंगर्स हैं तो वहां से ये पीछे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, ये थोड़ा सा अलग दुनिया नहीं हो जाती? हो जाती है सर, हमें भी कई बार और लगता है कि हमने 17 साल अपने गुरु जी की चप्पलें उठाई है, हमें तब आया जाके थोड़ा बहुत, आया ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ मुझे गाना आता ही नहीं है, ये भगवान मेरे अंदर पता नहीं क्या चीज आ जाती है जब मैं गुनगुनाता हूँ, वो फिर चली जाती है जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है। कोई अंदर से ना आहट आती है, ऊपर से कोई आवाज आती है, वो मेरे को गवा जाती है। मुझे आज तक इसकी समय नहीं लगी। हाँ एक बात जरूर है कि मैं 6 घंटे रियाज रोज करता हूँ, सुबह उठ के 2 घंटे, 2 घंटे शाम को, 2 घंटे दोपहर, मतलब ये एक गायकी एक तरह की, जैसे हम कहते हैं ना अखाड़े नहीं होते, अखाड़े में पहलवान कुश्ती करते हैं, अगर पहलवान 50 दिन खाड़े में घुलने ना जाए तो वो अगले आदमी से नीचे हो जाएगा, मतलब वो हार जाएगा, क्योंकि वो भी रोज का अभ्यास करते हैं। इसी तरह गले में जो हरकत लेनी होती है वो ताकत का है गाना, जैसे गुरु जी गाते थे याद पिया किया आए रे, होती है गाना, ये दुख सहाना जाए राम, हाँ याद पिया किया। गाना जोर का होता है, अगर हम रोज इसको अपना रियाज करेंगे या होमवर्क करेंगे तभी आदमी का गला चलेगा, नहीं तो गला नहीं चलेगा। पंजाब में तो आपने काफी प्रोग्राम्स किए हैं, नेशनल लेवल पे आप लोगों की कितनी डिमांड होती है? सर अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो लाइफ की अपनी स्ट्रगल शुरू हुई है ना, मेरी 2000
19 में हुई थी, मेरा पहला गाना रिलीज हुआ था सोनी सूरत पीटीसी रिकॉर्ड पे, ठीक है। उससे पहले मैंने गुरुजी के साथ ही सेवा की है, 17 साल उनके साथ ही जाता था। इस गाने की बहुत वैल्यू है, ये जो हमारे गाने हैं, हमारे गाने सुनने वाली एक अलग तरह की ऑडियंस होती है। जैसे आप भी पसंद करते हो, अच्छी आवाज को आप भी पसंद करते हो, हमारा हमारा जो लेवल है ना, अगर हम लोग जो सुनते हैं हमें, हमें बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट सुनते हैं, बहुत बहुत बड़े लोग सुनते हैं, मंत्री सुनते हैं, है ना, पढ़े लिखे लोग सुनते हैं। हमारे जो शो के ऊपर कोई आवारा गर्दी वाले लड़के नहीं बैठ सकते, यही सबसे बड़ा घाटा है। आजकल की जनरेशन वही सुनती है, बेबी डांस बेबी डांस बेबी डांस, ये नहीं, मतलब के उनकी दिमाग में पता नहीं क्या है। गाना इबादत है, गाने को फील से सुनो तो आदमी को परमात्मा दिखता है गाने के बीच में। आप लोगों के प्रोग्राम्स क्या, आप जैसे आपने क्या देश भर में और भी जगह या विदेशों में भी प्रोग्राम्स किए हैं? हाँ मैंने किए हैं, पर गुरुजी के पीछे बैठ के किए हैं, उनके साथ मैं हर टूर पे गया हूँ। फॉरेंस में बहुत बहुत इनकी वैल्यू है, कव्वाली की, सूफी की, जो लोग कई तो ऐसी ऑडियंस मैंने देखी है कि कई गाना सुनते सुनते आगे बैठ के रो पड़ते थे कि ये मतलब के तो उस तरह की दायरा है। अभी आपका दायरा जो प्रोग्राम्स का है वो पंजाब में है? नहीं पंजाब में नहीं है सर, अभी मेरा एक इवेंट होने जा रहा है पुणे में, मैरिज का पुणे में भी हो रहा है। उसके बाद मेरे एक गाना अजमेर शरीफ के ऊपर, मेरे को बेंगलोर की पार्टी है, वो गाना उन्होंने दिया है, उसकी कंपोजिशन सब कुछ मैंने बना दिया है। वो है ख्वाजा मेरे ख्वाजा अजमेर के सरताज है, उन सा कोई ना वली हुआ ना कल ना था कोई आज है, ख्वाजा मेरे ख्वाजा अजमेर के सरताज। ये राग मेर में मैंने, हाँ जी इसकी दो लाइनें सुना सकते हैं? हाँ जी गा देता हूँ, वो है ख्वाजा मेरे अजमेर के सरताज है, ख्वाजा मेरे अजमेर के सरताज है, दुनिया में तुझ जैसा वली, दुनिया में तुझ जैसा वली न कल हुआ ना आज है, ये गाना किसी फिल्म के लिए आप बना रहे हैं? नहीं सर, मेरे को तो सिर्फ उन्होंने बोला था कि ये गाना आपका हमने ऑडियो वीडियो करना है अजमेर शरीफ में। और एक मुझे बॉलीवुड में गाना आया है, वो हिंदी है गाना, वो बहुत अच्छा है, उन्होंने लिखा है, संजीव जी राइटर हैं, एक्चुअली वो करते हैं क्राइम पेट्रोल में काम करते हैं, वो राइटर भी हैं बहुत अच्छे, उन्होंने गाना दिया है। वो भी गाना मेरा बॉम्बे में डब होने जा रहा है, उनको मैंने पहले कंपोजिशन बना के भेज दी, प्रोजेक्ट आ रहे हैं। सिर्फ इसी वजह से हम कलाकार लोग पीछे रह गए हैं। सबसे ज्यादा जो मार बजी है ना, सबसे ज्यादा सर वो लॉकडाउन की बजी है। लॉकडाउन कलाकारों के लिए बहुत गलत था, मतलब के कोविड था भी, पर अगर भीड़ इकट्ठा होगी तो हम कलाकार घर से निकलेंगे ना, सबसे ज्यादा मार हमें लगी है कलाकारों को, नहीं तो हर गली हर नुक्कड़ में प्रोग्राम हुआ करते थे। क्या ओटीटी वाले भी आप लोगों को अप्रोच करते हैं? कौन सर? ओटीटी वाले? नहीं सर, अभी तो सर ऐसा है कि जो मेरे Netflix, गाने नेटफ्लिक्स अमेजन वाले जो हैं, इस तरह के लोग, ये मेरे भी गाने सभी मेरे गाने सभी पड़े हैं अमेजन प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे, सभी गाने मेरे उन्होंने चढ़ाए हैं कंपनियों ने, अपना वो जो ऐप होती है ना, सारी ऐप उस पे सारे गाने चढ़े हैं मेरे। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं पंजाब और भारत सरकार से? मेरी यही है सर कि बस अच्छा संगीत सुनना चाहिए। तो कल परसों एक उनकी डेथ हुई है ना ताज की, ताज स्टीरियो नेशन, ताज आप जानते होंगे, ताज स्टीरियो नेशन जो बहुत बड़े सिंगर थे यूके के। मैं नहीं जानता। हाँ उनकी, वो थोड़े अच्छे गाते थे, वो रॉक स्टाइल का गाना गाते थे, पर उनकी आवाज में दर्द था। मैं ये नहीं कहता कि रॉक गाने वाले हमेशा हम लोग सुनते नहीं है, हर तरह का गाना सुनता हूं मैं, पर गाना वो सुनना चाहिए जिसमें दर्द हो, उसकी आवाज में दर्द था।
वो लड़के की, चाहे वो रॉक गाता था पर वो एक ऐसा स्टाइल थे, जैसे वो जो गाना है आपको मैं अभी बात शेयर करता हूँ, वो गाना नहीं था यार, बदतमीज दिल माने ना माने ना, वो गाना पापा जी ने खुद सुना है, बडाली साहब ने, वो कहते थे यार कैसा गाता है ये लड़का, कितना इसका सांस कितनी बुलंद है इसका, देखो एक ही सांस में उन्होंने कहना है बदतमीज दिल माने ना माने ना। आम बंदे को ये, आम बंदा ये लाइन गाए उसको सांस चढ़ जाए, उसका रियाज है उस बंदे का, शायद वो सिंगर है पपौन है ना, इट्स बेनी दयाल, हाँ बेनी दयाल, हाँ पर वो बंदा देखो उसका कितना खास का मतलब, उस रियाजी बंदा है वो रियाज करता है, मेरे नॉर्मल बंदा ये आवाज नहीं निकाल सकता, बदतमीज एक ही लय में, क्योंकि उसका रियाज का प्रॉपर चल रहा है ना वो। आपको पता है वो जो गाना है कैसे मुझे तुम मिल गए, भी उसी का गाया हुआ है, गजनी पिक्चर का। हाँ 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 कैसे मुझे तुम मिल गई, ये वाला गाना। अब देखो अब देखिए वो गाने में फील है, वो आप पिक्चर देखोगे उस गाने में दर्द है तो रो पड़ता है बंदा जब वो पैसे का पैकेट उठा के देता है, क्योंकि गाना पिक्चर में फीलिंग पड़ता है, गाना पिक्चर में अलाप के जरिए पिक्चर में फील आता है, अगर कोई रोने वाला सीन हो तो पीछे सरंगी बजा दो आप, तो बंदे को दिल से छू लेती है, बंदा रो पड़ता है, संगीत इबादत है, संगीत रुलाता भी है हंसाता भी। मुझे याद आता है आपकी इसी बात पे कि जरूरी नहीं कि पंजाबी होना जरूरी है, उदित नारायण ने गाना गाया था उड़जा काले कावा तेरे मुंह विच मैं कंडपावा, ये गदर पिक्चर का गाना है, इस पिक्चर के गाने को सुन के जितनी बार भी सुन लो, पिक्चराइजेशन ना भी देखो तो आंखों से पानी आने लगता है, तो मेरी समझ में आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे भी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने इस मुकाम पे लगे रहिए, इस काम पे लगे रहिए, और आप जैसे लोग जो नई युवा पीढ़ी है वही बदाली बंधुओं के नाम आगे लेके जाएगी, क्योंकि आज की जो जनरेशन है शायद उसका नाम भी नहीं जानती है, लेकिन ऐसे लोगों का नाम अगर हमें नहीं पता तो शायद हमें अपने आप पे शर्मिंदगी होनी चाहिए। आप जैसे लोग जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे समय के साथ वापस भारत संगीत की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, ये लौटेगी, और देश में इसको, सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में इसको अपना उचित स्थान वापस मिलेगा। हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे अमृत महोत्सव के साथ जुड़े, 75 साल तो गुजर गए, आने वाले 25 सालों में आपके हाथ में परचम है, इसको नीचे मत होने दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार। मैं भी आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, आप हमारी गायकी को पसंद करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी मेरी मुझे रिस्पेक्ट दी है, तो मैं हमेशा ही आपका आभारी हूँ, क्योंकि आप जैसे लोगों का हमारे साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। इवेंट्स तो बहुत हो रहे हैं, रॉक स्टाइल वाले चल पड़े हैं, सूफी जब चलेंगे ना, देखो जब सूफी का दौर एकदम लॉकडाउन खुल गया ना, जब हमारी पब्लिक को इंटरेस्ट आने लग पड़ा, ये सब हूंज देने हैं, एक बार झाड़ू लगा देना है सारा, बस गायकी एक इबादत है, गायकी ऐसी गायकी सीखने के लिए मरना पड़ता है 17-18 साल, फिर जाके आती है। क्रिकेट की भाषा में, हालांकि मैं अब क्रिकेट नहीं देखता, लेकिन फिर भी क्रिकेट की भाषा में इसको आज खत्म करना चाहूंगा कि आज भी अगर मुझे कोई ये बोल दे कि सचिन तेंदुलकर, एक टेस्ट मैच हो रहा है जिसमें राहुल द्रविड़ आएगा और एक सिर्फ एक ओवर वो बैटिंग करेगा, तो मैं उस मैच में वो एक ओवर उसकी बैटिंग देखने के लिए मैं धूप में 3 घंटे खड़े रह सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि मैं आपको VIP बॉक्स में बैठा के IPL का मैच दिखाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। धन्यवाद। ठीक, नमस्ते।